अमेरिका और आयरलैंड के बीच फ्लोरिडा में होने वाला मैच बारिश की भेंट चढ़ गया और इसी के साथ अमेरिका ने सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पाकिस्तान लीग स्टेज से ही बाहर हो गया है। टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप 2024 में आज अपना आखिरी लीग मैच खेलेगी। भारतीय टीम फ्लोरिडा में कनाडा से भिड़ेगी और इस मैच में भी बारिश की आशंका है। भारतीय टीम पहले ही सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। कनाडा के खिलाफ अगले मैच से पहले टीम इंडिया ने अभ्यास सेशन में हिस्सा नहीं लिया। टीम को अभ्यास सेशन में जाना था लेकिन इसे रद्द करने का फैसला करना पड़ा। बाढ़ जैसी स्थिति फ्लोरिडा में इस वक्त बनी हुई है, इस वजह से भारतीय टीम को प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिल पाया। फ्लोरिडा स्टेडियम से 30 किलोमीटर दूर मियामी की नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक 15 जून को होने वाले भारत कनाडा के मुकाबले में 86% और 16 जून को पाकिस्तान आयरलैंड के मैच में 80% बारिश की आशंका है। हालांकि टीम इंडिया पहले ही सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर चुकी है तो मैच रद्द होने से भारत को ज्यादा नुकसान नहीं होगा। अमेरिका की टीम ने क्रिकेट जगत में तहलका मचा दिया है। उसने टी20 वर्ल्ड कप 2024 के सुपर 8 राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया है। टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सिर्फ दूसरा ही मौका है जब कोई टीम ने अपने डेब्यू सीजन में ही दूसरे दौर के लिए क्वालिफाई किया हो। इससे पहले यह कारनामा आयरलैंड की टीम ने किया था। भारतीय टीम 20 जून को अफगानिस्तान के खिलाफ अपने सुपर 8 अभियान की शुरुआत करेगी और फिर 22 जून को नॉर्थ साउंड में बांग्लादेश या नीदरलैंड में से किसी एक टीम से भिड़ेगी। टीम इंडिया 24 जून को ग्रॉस आइलेट में अपने आखिरी सुपर 8 मैच में टेस्ट और वनडे चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला करेगी। बांग्लादेश के स्टार ऑलराउंडर शाकिब अल हसन ने दिग्गज भारतीय सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग की आलोचना का करारा जवाब दिया है। नीदरलैंड के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप मैच में 50 जड़ने के बाद शाकिब ने सहवाग के सवाल के जवाब में कहा, कौन? आपको बता दें कि सहवाग ने बांग्लादेश की प्लेइंग 11 में शाकिब की जगह पर सवाल खड़े किए थे। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि यूएसए में चल रहे टी20 वर्ल्ड कप के बीच में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों ने बीसीसीआई अधिकारियों के साथ चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर विशेष मुलाकात की है। इस मीटिंग में भारतीय टीम के चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान जाने के मुद्दे पर चर्चा हुई, लेकिन बीसीसीआई ने इस मामले में फिर से भारत सरकार के ऊपर अंतिम निर्णय लेने की जिम्मेदारी छोड़ दी है। रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में भारतीय टीम के रिजर्व प्लेयर शुभमन गिल टीम इंडिया के कनाडा के खिलाफ आखिरी ग्रुप स्टेज मुकाबले के बाद घर वापस आ जाएंगे, जबकि उनके साथ पेसर आवेश खान के भी वापस लौटने की संभावना है। ये पता चला है कि शुभमन गिल और आवेश खान दोनों की यात्रा केवल यूएस तक ही थी। उन्होंने रिजर्व प्लेयर के रूप में टीम के साथ उड़ान भरी थी। पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने विराट कोहली का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि कोहली के जल्दी आउट होने का मतलब ये नहीं है कि उनकी फॉर्म खत्म हो गई है, वे जल्द रन बनाना शुरू करेंगे। गावस्कर ने कहा कि जब आपको 3 कम स्कोर मिलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे हैं। कभी कभी आपको अच्छी गेंदों का सामना भी करना पड़ता है।